नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका हमारे हरियाणा MRI हिंदी क्लासेज में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैंने काफ़ी दिन के बाद वीडियो डाल रहा हूँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाया था। तो आज मैं MRCP परफॉर्म करके दिखाता हूँ आपको, MRCP कैसे होती। देखिए, मैं स्कैनो दिखा रहा हूँ। स्कैनो में ये लेडीज़ के पास कुछ, यहाँ पे गॉल ब्लैडर के पास कुछ लोहे का सामान था, यानी कि पर्स था, इसलिए आर्टिफैक्ट आए। मैंने आपको दिखाया कि आर्टिफैक्ट आए हुए हैं। जो पहली इमेज दिखाई थी, इसमें आर्टिफैक्ट आए हुए हैं, कटा हुआ एक साइड से, ये आर्टिफैक्ट आए हुए हैं। और दोबारा मैंने वो पर्स निकाल के दोबारा ये स्कैनो ले रहा हूँ। ये स्कैनो आप देख लेना उसमें और उसमें क्या अंतर है। अब ये देखो, यहाँ पे कटिंग नहीं है, उसमें चेक करना आप दोबारा वीडियो को पीछे ले जाके, तो उसमें कैसे कटा हुआ आ रहा है एक साइड से, एक साइड मतलब राइट साइड से आ रहा है, ठीक है ना। तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा आर्टिफैक्ट आया हुआ इसमें, ठीक है। देखियो, एक्सेल की इमेज भी पूरी साफ आ गई है। इसमें हम 4 स्कैन लेते हैं, 5वां होता अपना 3D का स्कैन, बाकी 4 स्कैन होते हैं नॉर्मल स्कैन, कॉर्नल T2, कॉर्नल T1 और एक्सेल T2, एक्सेल T1, ठीक है। ये मैं कॉर्नल T2 की प्लानिंग कर रहा हूँ, देख लो आप, ठीक है ना। तो ये कॉर्नल T2 की प्लानिंग है, तो इसका थोड़ा FOV बढ़ाना पड़ेगा। FOV पूरी बॉडी को मतलब इसको कवर नहीं कर रहा, ये मैंने FOV बढ़ा दिया इसका, ठीक है। तो अब ये देखो, अपने को गोल ब्लैडर पे रखना है। देखो, ये दिख भी रहा होगा आपको थोड़ा सा वाइट कुछ गोल ब्लैडर, और अपने इसमें गोल ब्लैडर आना चाहिए अच्छे से, ठीक है ना। क्योंकि जो कैलकुलस वगैरह होती है वो गोल ब्लैडर में पाई जाती है, तो उसमें कैलकुलस के लिए MRCP परफॉर्म किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखो, मैंने स्लाइस थोड़ी सी बढ़ा के कर लिया है, तो ऐसे स्लाइस बढ़ा के इसका पूरा कवर कर लेंगे। गोल ब्लैडर वगैरह सब आना चाहिए अपना, ठीक है। तो अब इसको पूरा इमेज आगे पीछे करके देखनी होती है, ऐसे नहीं कि एक इमेज पे ही करके देख लिया। एक्सियल, सेजाइटल, कॉर्नल सब पे चेक करना होता है कि कहीं पे कोई दिक्कत ना आ जाए, या अच्छे से लग रहा है, अपनी पोजीशन अच्छे से लगी है, प्लानिंग अच्छे से लगी या नहीं लगी है, ठीक है दोस्तों। तो आराम से करना होता है केस, ऐसे नहीं कि जल्दबाजी में कुछ गलत वलत लगा दे, ठीक है। तो ये अपनी प्लानिंग देखो, मैंने एक्सेल पे भी लगा दी, पहले सेजाइटल पे लगा रहा था, अब एक्सेल पे भी लगा दी अच्छे से। और इस प्लानिंग को लगा के स्टार्ट कर देते हैं, ये मैंने स्टार्ट करके कर दिया, ठीक है। अब मैं T1 वो स्टार्ट कर दिया मैंने, T2, और अब T1 लगा रहा हूँ, कॉर्नल T1, ठीक है ना। कॉर्नल T1 लगा देता हूँ मैं इसमें, तो कॉर्नल T1 अपना ऐसे कैसे सेम एज इट इज लगाना है, जैसे T2 लगाया था, जैसे T2 हमने लगाया था ऐसे कि T1 लगाना है, बिल्कुल सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी प्लानिंग हम कर रहे हैं, देखो ये प्लानिंग हमने कर दी, स्लाइस बढ़ा दिए मैंने, ये अपना हो गया। तो ये अच्छे से ध्यान रखना होता है, पूरा कवर करके ही लगाना है, ऐसे नहीं कि कुछ रह जाए। इसमें अपना गोल ब्लैडर वगैरह, CVD वगैरह अच्छे से आना चाहिए, ऐसे नहीं कि गोल ब्लैडर आ जाए, CVD ना आए, तो पूरा ध्यान में रख के करना है, ठीक है। तो ये T1 अपनी प्लानिंग हो जाएगी, इसको स्टार्ट कर देंगे हम। इसको स्टार्ट करने के बाद T2 की प्लानिंग करेंगे, एक कॉर्नल आने के बाद, कॉर्नल T2 आने के बाद T2 एक्सेल की प्लानिंग करेंगे। कॉर्नल पे ही T2 एक्सेल की प्लानिंग होगी, स्कैनो और कॉर्नल T2। देखो, ये अपना कॉर्नल T2 आ गया है, इस पर अपने पोजीशन लगाते थे हैं, ठीक है ना। मैंने इसके अंदर एक देखा कि जो गोल ब्लैडर है ना, जो गोल ब्लैडर का एंडिंग नेक है, उसके नीचे एक मेरे को लीजन दिखाई दिया, तो लीजन को भी कवर करना है अपने को। देखो, ये दिख रहा है आपको साइड में, राइट साइड में एक गोल गोल वाइट टाइप की कुछ दिख रहा है, तो ये अपना लीजन है, तो इसको भी कवर करना है। मैंने इसके लिए अलग से प्रोटोकॉल लगा दिया था, इसमें कवर नहीं किया मैंने, स्पेशल इस पे लीजन पे एक अलग से एक्सेल T2 प्लानिंग लगा के लिया था,
ये सिर्फ मैं MRCP करके दिखा रहा हूँ आपको, MRCP किया मैंने, उसके लिए मैंने अलग से स्पेशल प्रोटोकॉल लगाया है, तो मैंने इस वीडियो में नहीं डाला हुआ। जो वाइट दिख रहा ना आपको, मैं बाद में दिखाऊंगा आपको, T2 XGL T2 में भी दिखाऊंगा, और कॉर्नल T2 की जब मैं इमेज दिखाऊंगा आपको उसमें भी दिखा दूंगा कि अपना कहाँ पे है। ठीक है, ये टाइम बढ़ा दिया क्योंकि टाइम के हिसाब से थोड़ा अच्छी इमेज आएगी अपनी, नहीं तो थोड़ी। और इसकी क्या है कि जो पेशेंट था अपना, इसकी एज भी ज़्यादा थी और पतला पेशेंट था, इसलिए थोड़ी क्वालिटी का इश्यू होता, तो इसलिए मैंने थोड़ा टाइम बढ़ाया है। पेशेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा टाइम घटाना बढ़ाना होता, अच्छा पेशेंट होता जो कोयल में फिट होता है उसके लिए थोड़ा कम टाइम में भी काम चल जाता है, लेकिन कोयल में फिट नहीं होता, जैसे जगह बच जाती कोयल में, जो पतला पेशेंट होता है या ओल्ड पेशेंट होता है तो उसके लिए हमें टाइम बढ़ाना ही पड़ता है। अब देखो ये T1 की प्लानिंग कर रहा हूँ मैं, XGL T1, ठीक है ना, तो XGL T1 भी हम ऐसे ही प्लानिंग कर देंगे। ठीक है, T2 की प्लानिंग की थी ऐसे ही, XGL T2 और T1 की प्लानिंग होती है। ठीक है फ्रेंड, तो ये वाइट है देखो, ये थोड़ा सा आधा ही कवर किया हुआ था इसको, इसको मैं माउस का कर्सर मैंने बड़ा कर दिया है, ठीक है, ताकि आपको माउस का कर्सर दिखता रहे, माउस कर्सर कहाँ पे घूम रहा है। ये देखिए गॉल ब्लैडर दिख रहा है आपको, ठीक है ना, गॉल ब्लैडर ये वाइट वाइट चमक रहा है जो राइट साइड में, जिब भी दिख रहा अपना। तो इस पे कॉर्नल T2 और स्कैनो पे अपनी प्लानिंग होती है, XGL T2 और T1 की, ठीक है ना, तो अपनी प्लानिंग ऐसे कर देंगे। थोड़ी इसकी स्लाइस बढ़ा देता हूँ मैं, क्योंकि इसकी स्लाइस थोड़ी कम है, ताकि ये जो लीजन है ये भी अपना कवर हो जाए इसके अंदर, T1 के अंदर, और T2 अलग से एक मैं वो ले लूँगा। सॉरी मैंने शायद स्टार्ट कर दिया, दोबारा से मैंने लगाऊंगा इसके ऊपर प्लानिंग। ठीक है, ये कॉर्नल की इमेज देख लो अपनी, कॉर्नल T2 देखो, ये वाइट साइड वाइट वाइट दिख रहा है ना, ये राइट साइड में कर्सर दिख रहा होगा, ये अपना जिब्बी है, ठीक है ना, तो इसके बिल्कुल नीचे अपना ये मांस लीजन है, ठीक है ना, बिल्कुल नीचे है, बिल्कुल इसके पैनक्रियाज के पास में है ये, ठीक है ना, पैनक्रियाज के हेड के बिल्कुल क्लोज है ये जो अपना मांस है, और गाल ब्लैडर के नेक एंड पे है ये। ठीक है, ये अपनी इमेज हो गई T1 कॉर्नल की। ठीक है, T2 में अपना वाइट दिखाई देता है जो लीजन वगैरह है ये, और इसमें ब्लैक दिखाई देगा, ठीक है ना दोस्तों, तो ऐसे अपनी पहचान होती है। तो ये अपना देखो T2 एक्जिल आ गया, मैं एक्जिल की इमेज बाद में दिखाऊंगा, पहले प्लानिंग कर देता हूँ मैं 3D की। किसकी 3D? MRCP के अंदर जो 3D लेते हैं ना उसकी प्लानिंग कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। इसके अंदर एंगल देना होता अपने को, सीधी प्लानिंग नहीं होती, इसके अंदर एंगल देंगे 3D के अंदर, तब जाके अपनी अच्छी इमेज आएगी। ठीक है, तो मैंने एंगल वगैरह दे दिया इसके अंदर, ये थोड़ा सा घटा देता हूँ FOV, ज़्यादा FOV है। ठीक है फ्रेंड, तो देखो गोल ब्लैडर को मैंने पूरा कवर कर दिया है, और अब मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ XGL T1 की, और XGL T2 की बाद में दिखा दूंगा, पहले XGL T1 की दिखा रहा हूँ मैं आपको इमेज। ये देखो XGL T1 अपना आ गया है, ये XGL T1 की इमेज है ये बिना 2D लगे हुए है, बिना फिल्टर लगे हुए इमेज है। देखो ये अपनी इमेज आ गई है, ऐसे हम इसको, ये देखो मैं बता रहा था ना जो मास लीजन, इसमें ब्लैक दिखाई दे रहा ना आपको, मैंने जो कर्सर दिखाया था ब्लैक, T1 में हमेशा ब्लैक दिखाई देता है, ये देखो मैं कर्सर से दिखा भी रहा हूँ आपको, और T2 में वाइट दिखाई देगा ये देखो, ठीक है ना, अब दिख भी रहा आपको, ये कर्सर से मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये पूरा लीजन है ये राउंड शेप में, ये अपना गोल ब्लैडर के नेक हेड पे है, नेक एंड पे सॉरी, पैनक्रियाज के हेड के पास है ये। ठीक है, तो ये मैं 2D लगा देता हूँ इसको, और आपको फिर इमेज दिखाता हूँ ये। ठीक है दोस्तों,
ये देखो अपनी 2D लगी हुई इमेज आ गई। जो व्हाइट राइट साइड दिख रहा ना, वो जो व्हाइट है पतला सा, ये अपना गोल ब्लैडर है, ये व्हाइट आ गया अपना, ये लीजन है। ठीक है, ये अपना लीजन है। ये थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ मैं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे जाए। देखो ये अंडे जैसा दिखाई दे रहा ना, जो गोल गोल, ये अपना लीजन हो गया। ठीक है, जूम ज़्यादा इसलिए किया मैंने ताकि आपको लीजन दिखा दूँ, बाकी इतना जूम नहीं करना होता क्योंकि उस साइड CBD भी होता है, CBD भी दिखाना होता है। ये हमारी देखो 3D की प्लानिंग है, मैंने ऐसे 3D की प्लानिंग की है एंगल देके, और ये 3D की इमेज आ गई अपनी। देखो 40 इमेज आएगी अपनी 3D की। इसमें एक ही स्लैब होता है, 3D के अंदर एक स्लैब ही होता है, और जो नॉर्मल स्कैन होता है उसके अंदर अलग अलग स्लाइस होती है, जैसे 17, 18, 16 है, लेकिन 3D होती है उसके अंदर एक ही स्लैब होता है। ठीक है ना, उसको स्लैब बोलते हैं। तो ये अपने देखो गोल ब्लैडर दिख भी रहा आपको। इसको फिर है ना MRCP एक 3D होती है, उसके अंदर कन्वर्ट करना होता है, और उसके बाद अपना काटना होता है, इसको कटिंग करनी होती है। देखो अपने आप ही चल पड़ा वो, उस पर चल रही है जो नीचे। ठीक है ना, ये देखो अपना जो वाइट वाइट चमक रहा है, ये अपना गोल ब्लैडर दिख रहा है। गोल ब्लैडर की अपने को कटिंग करनी होती है, तो मैं गोल ब्लैडर की कटिंग भी करके दिखाऊंगा आपको कैसे कटिंग की है मैंने। वैसे ज़्यादा लंबी वीडियो जाती है इसलिए मैंने मतलब कटे वो इमेज दिखा दूंगा मैं आपको कैसे मैंने काटा इसको, और मैं आपको ऑप्शन बता दूंगा कहाँ से क्या क्या दबाना है। नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो जाती क्योंकि बहुत देर में कटता है ना, ये टाइम लगता है, आराम से काटना पड़ता है ताकि जो काम की चीज़ें वो कट ना जाए और जो बेफालतू की चीज़ें वो रह ना जाए। ठीक है, देखो ये अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कितना अपना एंगल लेना होता है। वो नीचे एक 3D का प्रोटोकॉल अलग से होता है, यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट कर दिया 15 का, और यहाँ पे जो भी अपने रोटेट करना है जिस हिसाब से भी अपने हिसाब से कर सकते हैं, 20 के हिसाब से, 40 के हिसाब से, यानी कि एंगल, यानी कि हर टाइम हर इमेज के हिसाब से एंगल बदलता चलेगा, रोटेट होती चलेगी अपनी इमेज। ये सिलेक्टिव MIP पे किया मैंने, उसके बाद ROI पे करना होता है, ये ROI पे जो सेकंड नंबर पे वॉल्यूम से नीचे ROI दिख रहा ना आपको, ROI। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन में अपना जो प्लस का निशान है उसके ऊपर क्लिक करेंगे हम, जो ऑपरेशन के अंदर जो देखो प्लस का निशान है इसके ऊपर क्लिक कर दिया, और ऐसे मैंने देखो ये काट दूंगा मैं 3D। अभी दिखा देता हूँ आपको, देखो ये ऐसे मैंने ये पहले ही काट के रखी है, ऐसे ऐसे इस माउस के हिसाब से हम इसको लेफ्ट की दबा के ऐसे काटते चलेंगे। ठीक है, और इसको देखो मैं थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूँ, यानी कि विंडो सेट कर देता हूँ, मतलब इसका सिर्फ कॉर्नर ही व्यू देना होता है अपने को, कॉर्नर व्यू। ये अपना कॉर्नर व्यू आ गया, देखो एक एक इमेज राम राम से आएगी, इसलिए मैं थोड़ा पोज कर करके वीडियो को दिखा दूंगा आपको, क्योंकि ज़्यादा टाइम की वीडियो पहले ही बहुत लंबी वीडियो बन गई है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं है वीडियो में, लेकिन क्या करें, वीडियो आराम से दिखानी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है कैसे प्लानिंग की है। ठीक है ना, देखो ये अपनी इमेज, हर एक इमेज अलग अलग रोटेट हो रही है, मतलब एंगल आ रहा है अपने आप से, क्योंकि वो मैंने बोला था ना जो इंक्रीमेंट और रोटेट का एंगल वो मैंने डाला था स्टार्टिंग में, उसके हिसाब से ये अपना आता रहता। देखिए ग्रीन ग्रीन चल रहा है इसमें, ये अपना MRCP की 3D कटिंग का ऑप्शन होता है। ठीक है ना, 3 प्रोटोकॉल अलग से होते हैं इसके अंदर MRCP के, एक MRCP 3D का होता है, एक MRCP को कन्वर्ट करने का होता है मतलब कटिंग करने के लिए होता है, एक MRCP की 2D लगाने के लिए होता है, 3 होते हैं। ठीक है ना, तो मैं 2D भी लगा के दिखा दूंगा आपको कि कैसे 2D वगैरह लगानी है। ये अपनी देखो 16 इमेज आ गई, इनकी अलग से एक फिल्म बनानी होती है, एक फिल्म में 16 के फोल्डर में डाल के इसको अच्छा इसका विंडो सेट करके हम दे देंगे MIP 2D करके इसको, मैं 2D भी करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है ना फ्रेंड, तो देखो अब मैं 2D के ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ से मैं वही ऑप्शन उठा के स्टार्ट कर देता हूँ। ये देखो मैंने स्टार्ट कर दिया है, और ये अपनी आ गई इमेज, इसको विंडो सेट करके अच्छे से जूम वगैरह करके
इसको फिल्मिंग में डाल देंगे हम। तो ऐसे अपनी एमआरसीपी होती है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया था कि एमआरसीपी में चार प्रोटोकॉल होते हैं, पांचवा होता है 3D का, यानी कि टोटल पांच प्रोटोकॉल होते हैं। जो 3D का होता है लगभग 15 से 20 मिनट का होता है, ठीक है ना, और बाकी 6-7 मिनट के प्रोटोकॉल होते हैं। T2 7 मिनट और 6 मिनट के बीच होता है, और T1 होता है जो 5 मिनट का होता है, ठीक है। ये देखो मैंने विंडो सेट कर दिया, इसके अंदर विंडो सेट करके इनको जो इमेज है ना साइड, एक साइड अलग से गई हुई है, उसको थोड़ा मैं उठा के वो कर दूंगा। देखो ये अपना 18 मिनट 40 सेकंड का था, क्योंकि मैंने इस पर 40 स्लाइस लगाई हुई है, जिसने स्लाइस